मेरी बात सुन, तू छोगी बात के खून उबाड़ो खे मारा भाई बेटे आज 3 महीना हो गया बड़े चौकी के माँ जो खून बहन तो रुक लगे उनके एक रखो वो आपकी कोठी में बहन कूलर के तले बैठी है वो भैया ये डच्चा है नी 9 करोड़ की दियो छोड़ दो जो जीतियो नहीं जीता अर को नहीं के दिया 9 करोड़ का प्लाट दे दो है अच्छा अरे वो था नहीं मेरे मेरे मुंह क्यों कुआवे सिंह बिश्नोई सीधा कहो वे मन ने मुआवजा दुआ दिया एक तो अचार से दुआ दियो मेरे कन ल्या सुन सुन ता मेरे कन ल्या भी ना बात सुन पहले आज बैठ तो मरना हो रहा छोरा न्यूज़ देसी देखने वाले सारे दर्शकों ने मनीष जागलान की राम राम भाई। अगर आज की बात करें आदमपुर हल्के के अंदर आज चुनाव की अगर बात की जाती है जब तो मंडी के अंदर मौजूद है तब राम 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 ठीक हो एन जमा आज तो कई ग्रह भी सोटी नौकरी है अच्छा हाँ आज ही सके है आज आज मरक किसान ना को देख तू नेता आ रहे है दो किसान ना मेरे कांग्रेस का नेता है दो कांग्रेस का ये मार पहली किसान ना है अच्छा है बचा राम 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 बचा काम कौन सा था वो काम तो मारो वो ही मान ले तू हर कोई हो गया तो फिर भी काम तो बता दे लालपुर लालपुर डोबी हो गया डोबी काम भाई डोबी काम भाई साहब अगर बात करी जावा फिलहाल का के मोल चलने लग रहा था कांग्रेस का जेपी का बहुत बढ़िया चल रहे भाई सब जमा के मान के चल रहे फिलहाल हम तो मान के चल रहे 100% जीत होगी 100% हाँ बीजेपी वाले आपकी सौ तो भी ऊपर माना जीत फाइनल करे बैठे होंगे मानना तो सारे हैं बीजेपी वाले पर काम क्या करे बीजेपी क्या करे बताओ न्यू को है लग तो सत्ता में घूम रहा है तो काम किस तरह होगा सत्ता में विपक्ष में काम को नहीं होते जेपी भाई साहब तो कल आए तो विपक्ष में थे पूरा काम को नहीं होया कितने काम हुए हैं बहुत काम हुए हैं पर आड़े एक भी काम बता दो आप बीजेपी को ये छोटा मोटा भी काम गिना दिखा दो जो काम हुआ है ये 2 साल 1.5 साल रह रही है उस 1.5 साल में काम करवाओ कुछ नहीं होना 1.5 साल में पीछे इतने साल में 26 साल 30 साल में नहीं हुआ 1.5 साल में क्या हो जाएगा बता 1.5 साल में कुछ नहीं होगा भाई साहब ये सब जनता ने बकाने की बात है कि मैं 1.5 साल में ये करवा दूंगा वो डटा ही गुनगाड है 7 तारीख ने देख लिए तू डट जा तो जी ये विचार है छोरा नया है मैदान में तैर है और 2 साल 1.5 साल सरकार की रह रही है दे भाई नए तो कोई बात को नहीं कपूर की गोली कभी कुर्तिया में डबेड़ी को नहीं मारी अच्छा। वो कपूर की गोली डबे अच्छा है भी सौर मुँह पब्लिक को मानने काम हूँ मानने अच्छा है तो देख तीसरी पीढ़ी की बात अगर करी जाओ ना भजन लाल परिवार हाँ। की तीसरी पीढ़ी हैगी और भजन लाल परिवार का गढ़ रहा है यू 1.5 साल रहेगी 1.5 साल में काम करवाओगे एक बात आप मानिए चलो चूटा लगी तीसरी पीढ़ी देख ली इतिहास ठा लियो डाबड़ांगी ठा लियो तो इनका क्या खोट है फिर उन दो बंशीलाल की ठा लियो तीसरी पीढ़ी गढ़ कहाँ रह गया गढ़ कहाँ है आदमपुर अरे गढ़ से तू छोड़ 30,000 से लीड कर रहा है जेपी जेपी हाँ वो नहीं होगा 1 लाख प्लस करेंगे इसकी बार अरे 5 लाख की होड मार लियो कोई मारनिया घना ही बैठिया है मैं तो एक गरीब इंसान हूँ डोड़ो है 30 लाख से जेपी जीत रहा है 30,000 से क्या कारण है तब इसकी बार के है कारण ये है कि ये जीत गया चला गया पब्लिक में कौन गया पब्लिक में जावे तो सारा मैं भी इसका ही हुआ आज क्यों खिलाफत कर रहा हूँ तो मैं कोई काम के लिए कर रहा हूँ और देख टाबर तो पढ़ी नहीं जगह लागी क्यों कह तू यूँ सोच ले मोदी ने योगी ने कटर ने चाहिए की है आने के बो टाबर आऊँ क्यों करो या करे आ तो तू मानी चल रहे है क्या बात करता हूँ इसका तो टापर के ऊपर सारी चीज है मेरे ये ना आप अपन टापर ही गोर करें और ही तो कौन करें आप अपन ही तो यार गोर करें मार लगे ही टूट गए मैं फिर देगा अरे तू रात में तब तो ने एक बात कही कि भाई मतलब यो बीच में कुन आया लोगों का लेकिन 2009 में जेपी भी तो हर के कहा था अटके वो भी तो कुन आया अरे आज तो थोड़ा सा जितने को नहीं थमो थमो अरे थमो सरी वो भैया ये डच्चा है नी 9 करोड़ की दियो छोड़ दो जो जीतियो नहीं जीता अर को नहीं के दिया 9 करोड़ का प्लाट दे दो है अच्छा अरे वो था नहीं मेरे मेरे मुंह क्यों कुआवे हाँ यह बात है तब बात करें दो पार्टी और है एक आम आदमी पार्टी भी उठ के आने लग रही इनको सारा सौदे की सफाई करेगी झाड़ू गुला बांगे झाड़ू जदी लागी हो ये माने के कह मैं खड़िया होया नहीं जदी जानगी हो कह इनने तो वो लोग दनु कुलडा राम खड़े हो गयो इनने हो गयो वो खड़े झाड़ू वालो आंगे भैया वोट है ढाई ढाई है पब्लिक के भाई एडा कोनी ये दोनों बहन तो डाकड़ नेता है
रोगा तो राग में रोगा डू मारी जू। एक बात कही था उतना जमा शुरुआत में है कि वह किसाना का नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बताया जिस टाइम पर किसान आंदोलन चल रहा था इनेलो पार्टी का अभय सिंह चौटाला ने आपका पक्ष कराया था, आपका साथ में लग गया था और अलाहाबाद उपचुनाव होया था, वो के कारण तो आपने बेरा है। अरे बिन आग लगड़ कर देख हाँ, एक करके टाटा सुधार कर लिया छोड़ो। बिन आग लगड़ कर देख लिया, आग लगड़ कर देखा गया दो साल ले रही है, कोई बात को नहीं। ये बात बता मन, मैं किसान को नहीं के बीजेपी आज बाल सुंदर ना पर बैठी है, ई भी फिलहाल चौकी में घड़ी बैठे आगे जाट आज चौकी रोक के बैठे है। अरे दो बार किसाना ने धोखो दे के खड़िया करे है, बोले मैं तेने मुआवजो दिवाऊ, मैं दिवाऊ बकसी दुआ दियो रे। कुलदीप सिंह बिश्नोई सीधा कहो वे मन ने मुआवजा दुआए दिया तो चार से दुआ दियो मेरे कन ल्या। सुन सुन ताऊ मेरे कन ल्या भी ना बात सुन पहले। आज मैं तो मरने हो रहा छोरा पूरा आज पाछ दन बोला भाई उरा जा ताऊ। और न्यू कहो पहले बात तो सुन यार, भीतर में छोए गणा ले रहे तो वो न्यू कहो है भाई मन ने मुआवजा पास करवा दिया, आचार संहिता लगी, इलेक्शन खत्म होंगे खत्म है जगह। मेरी बात सुन तू छोगी बात कह खून उबालो खे मारा भाई बैठे आज 3 महीना हो गया बड़ा चौकी का माँ जो खून बहन तो रुक लगे उनके एक रेखो वो आपकी कोठी में बहन तो कूलर के तरह बैठी है, है? बार संभाले को नहीं फिर कोच ही लेना आज बार संभाला ए सी होगी शुरू कूलर बंद हो गई। अरे ए सी चला ले तू की चला ले जानो हको को नहीं बिल्कुल तो आज वो फिर घर घर क्यों फिरे जीते तो है ही हो घर घर क्यों फिरे वो तो लीड बढ़ाओ 1,00,000+ जीत की ए लीड बढ़ावा तेरे पर का जुआन बोली आप जीत्या बैठिया कि खा लो खाड़ो है वो। देख ले बताओ की बात एक नंबर की राम राम के कुछ माहौल लग रहा युवाओं की बात करी जाओ तो युवाओं में एक बात युवाओं में बीजेपी के प्रति आक्रोश नजर आ रहा है। कारण के वजह कारण ये जो पीछे किसानों ने 730 शहीद हुए थे किसान आंदोलन में उनको लेकर भी बीजेपी के प्रति आक्रोश नजर आ रहा है। फिर बीजेपी के प्रति तो लेकिन कुलदीप बिश्नोई तो आदमपुर का सुधार करने का सुधार है ये कभी लोगों से मिलता ही नहीं है जी, एक बार जीत कर यहाँ दिखाई नहीं देता हल्के में। पहले तो विपक्ष में बैठा था अब तो सत्ता में आओगे तो आना पड़ेगा। नहीं सत्ता कोई नहीं है वो सत्ता में आएंगे लोगों के प्रति गहरी नाराजगी है बीजेपी और कुलदीप के। कौन सा गाँव से? बाणा गाँव से। राम राम भाई जी। मेरा गांव तो नियाणा गांव है, जिला हिसार है और हल्का हमारा बरवाला पड़ता है। नियाणा गांव के भी आदमपुर मारे हो बोला जी, यहाँ का माहौल देख के बहुत खुश हुए। यहाँ पर निश्चित है जयप्रकाश की जीत है, 20-25,000 वोटों से पक्की जीत है। बीजेपी वाले बाहर के आदमी गणे गेट रखे फिर आप भी नियाणा के क्यों है जी? बाहर के को नहीं यही के हैं जी, बाहर के नहीं है यही के हैं। हाँ जी तो क्या लगे के ओवरऑल माहौल आपने क्या लगे? माहौल मैंने जयप्रकाश का बढ़िया लग गया जी, जयप्रकाश की 20-25,000 वोटों से जीत है और बीजेपी सरकार से आम जनता आम किसान आप गाड़ी घोड़ा रहे सब परेशान है जी, सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ परेशान है जी। मैं ट्रक एसोसिएशन का उपप्रधान हूँ हिसार से, हम तो इतने परेशान है जी। बीजेपी सरकार ने तो हमारा खाना पीना नहाना धोना रोड पर चलना बिल्कुल बंद कर रखा है जी, जो पूरे देश के अंदर 2,000 का चलान है 28 राज्यों में एक हरियाणा की सारा राज्य है जो 20,000 का चलान है। इतने इतने चलान कर रहे गाड़ी वाले आम पब्लिक इतने परेशान है जी, हम तो बदलाव जाते हैं जी, बीजेपी सरकार से बहुत ज़्यादा परेशान है और यहाँ का माहौल देख के यहाँ की भीड़ देख के हम बहुत खुश हुए जी, जयप्रकाश काफ़ी वोटों से जीतेंगे।